कॉमिक टाइमिंग में भी मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कोई तोड़ नहीं है भाई, क्या एक्सप्रेशन दिया है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शेट्टी की भाई अब तो हो गई था। और अथिया शेट्टी की इसमें एक्टिंग देखने को मिली है, सुनील शेट्टी की बेटी, मतलब क्या अच्छा रोल किया है। इससे पहले उनकी मैंने हीरो मूवी देखी थी और एक और बीच में उन्होंने आइटम नंबर वगैरह किए थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर एक बार फिर से। मेरा नाम है मनीष। मैं हूं सुनील। और आज जिस वीडियो का हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है एक नया ट्रेलर। ये मोतीचूर चकनाचूर मूवी का ट्रेलर है और इसमें है नवाज भाई, नवाजुद्दीन सदीकी और आथिया शेट्टी। तो नवाजुद्दीन सदीकी की जो अदाकारी है उसके बारे में हर कोई जानता है और उनके अभी जो सेक्रेट गेम्स चल रहा था उसमें बहुत सीरियस रोल था। ये ट्रेलर का थंबनेल देख के ऐसे लग रहा है कि ये कॉमेडी मूवी होनी चाहिए। बाकी देखते हैं, दूल्हा बने हुए हैं इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, तो शुरू करते हैं इसको। उन्हें ज़्यादातर मास करने का मौका नहीं मिलता है, गोलियां चलाते हैं या फिर एक्टिंग उनकी ऐसी होती है कि सिंगल मैन जैसे राज ठाकरे में उन्होंने किया था। तो शुरू करते हैं इस ट्रेलर को, देखते हैं। दिल्ली छत्तीस के है, कब तक बिरे बेचारी बन के बैठे, नाटी काली पतली टकली किसी से भी हम कर लेंगे, हमको मोड़ी चाहिए बस। मोड़ी पहले आप? नहीं पहले आप। आप लेडीज हैं तो पहले आप। हम बात शुरू करने की कह रहे हैं। ब्याह होके रहेगा, अमेरिका लंदन पेरिस नहीं गई तो का नेपाल श्रीलंका भूटान तो मिलेगा। बेटा ब्याह के बाद रैनी को विदेश तो ले जाओगे ना? आज तक ही अपने माँ बाप को विदेश नहीं ले गया। तो यहाँ आए क्यों? वो कुत्ते की कहानी सुनी हो? पूरी रोटी के चक्कर में आधी भी गई। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? Am I dog? नहीं, तुम तो बिच हो ना बेबी। सकते रही हो, लग्न चाहिए दुबई से लौटे हो। पुष्पिंदर त्यागी, तुम हो पुष्पिंदर त्यागी? अरे हमारे मोड़े को ना मोड़ियों की कमी ना है। अरे लेन लग रही है लेन? हाँ कहाँ लग रही है लेन? किसी भी तरह हमें बड़े बड़े विदेश में भेज दो ना। तो फिर इसे पटा ले। मौसी इसके सैलरी के दिन खत्म और पेंशन के दिन आने वाले हैं। नॉर्मल लगती है ये, जलती चिंगारी है। हम तुम्हें पसंद करते हैं और हमें भी बहुत तमीज से पहली बार पहला प्यार हुआ है। प्यार भी हो गया? जलती चिंगारी है भाई, आइडिया दे रहा भाई। पेरे उल्टे होता है वो, कछु हुआ तो नहीं? नहीं मम्मी जी। सब कुछ करो बस वही मत करो, बोलो पहले दुबई चलो। ये क्या सिखा रहे हो मम्मी जी? बिना प्यार के जी सब नहीं हो सकता मौसी, हम नहीं कर पाएंगे। अरे तुम आँख बंद करो और बुर्ज खलीफा के बारे में सोचो, फीलिंग अपने आप आ जाएगी। भाभी जी के आते ही पुष्पेंद्र की नौकरी लग गई। पुष्पेंद्र की नौकरी तो पहले से ही दुबई में, वो तो कब का निकाल दिया गया। देखे एक मोड़ी मिली है उसे भी तुम भगा रहे। देखे एक मोड़ी मिली तुम भगा रहे हो। तो दोस्तों ये था ट्रेलर मोतीचूर चकनाचूर। तो कॉमेडी, बिल्कुल कॉमेडी वाली मूवी और कॉमिक टाइमिंग में भी मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कोई तोड़ नहीं है भाई, क्या एक्सप्रेशन दिया है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शेट्टी की भाई अब तो हो गई था। और अथिया शेट्टी की इसमें एक्टिंग देखने को मिली है, सुनील शेट्टी की बेटी, मतलब क्या अच्छा रोल किया है। इससे पहले उनकी मैंने हीरो मूवी देखी थी और एक और बीच में उन्होंने आइटम नंबर वगैरह किए थे, लेकिन उसमें उनकी एक्टिंग ज़्यादा दिख ही नहीं पाई। इसमें थोड़ी सी कॉमिक टाइमिंग उनकी दिख रही है, देखते हैं कि कितना अच्छा फिल्म में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। ट्रेलर में देख के तो अच्छा ही लग रहा है। बाकी इसमें यार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो एक्टिंग है शुरुआत में, हमें काली मोटी लंगड़ी लूली गंजी कोई थी मोड़ी ला दो शादी करनी है। और जो बीच में दुबई वाला जो डाला हुआ है ट्विस्ट थोड़ा सा, वो भाई वो सही कहा गया है, मोतीचूर चकनाचूर ना उसी का, यानी मोतीचूर का लड्डू हो गया और चकनाचूर हो जाता है जब उसे पता लगता है कि पहले निकाल दिया गया था दुबई से जॉब से। तो इसमें क्या है कि
छोटा सा मतलब पड़ोसियों के बीच जो रिलेशन बन जाता है उसके बारे में दिखाया गया है। और एक लड़की का ड्रीम होता है कि मुझे विदेश जाना, चाहे कैसे जाना है, दूल्हा कोई भी हो। कुछ लोग अपने ड्रीम के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लोगों के बड़े बड़े ड्रीम होते हैं, कई लड़कियों का ड्रीम होता है गोल्ड डिगर होती है, कुछ लड़कियों का बड़ी गाड़ियों में बड़ा वो, उसका एक छोटा सा ड्रीम है कि मुझे फॉरेन जाना है, वो भी दुबई। यार दुबई कुछ नहीं, उसको दुबई नहीं, वैसे मतलब ये था कि इंडिया से बाहर जाना है ऐसा कुछ। जो दूसरा लड़का आया था पहले उसको, अच्छा विदेश तो लेके जाओगे ना, अच्छा ये आज तक माँ बाप को नहीं लेके गया, तुम्हें कहते लेके जाएगा। आजकल छोटे छोटे बजट में ये जो अच्छी मूवीज बनने लगी हैं अच्छी स्क्रिप्ट के साथ, इन्होंने बहुत सारे फिल्म मेकर्स के दरवाजे खोल दिए हैं बॉलीवुड के अंदर। और ये भी उसी तरह की एक मूवी है, लो बजट बट हाई इन कंटेंट। तो हाई कंटेंट और लो बजट की जो मूवीज हैं वो ये बड़े स्टार्स की जो मूवीज आती हैं, धर्मा प्रोडक्शन, यशराज प्रोडक्शन, जो 200-300 करोड़ रुपया लगा देते हैं लेकिन फिर भी फिल्में थंग्स ऑफ हिंदुस्तान और कई बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी जो कि ट्यूबलाइट हो गई, अच्छी नहीं निकल पाई। लेकिन ऐसी छोटे बजट की लेकिन कंटेंट रिच जो मूवीज हैं वो हमारे बॉलीवुड को अभी भी बचाए हुए हैं, नहीं तो बॉलीवुड में कुछ देखने के लिए बचता नहीं। और एक चीज तो है, कॉमेडी से भरपूर है और एक पंच एक लाइन बिल्कुल सटीक बिठाई है कि यानी टाइम और सिचुएशन को देखते हुए बिल्कुल सही बिठाई है। वो कहती है ना कि उसकी माँ कि बेटा, तो वो कहती है कि मम्मी मुझे फीलिंग नहीं आ रही, बेटा तू तो सिर्फ भुज खलीफा के बारे में सोच, सारी फीलिंग आ जाएगी, फीलिंग गुद्दी आ जाएगी। तो ट्रेलर बहुत अच्छा था, डायरेक्टर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है लेकिन फिल्म को अच्छी कंपनियों ने जो है वो बैक किया हुआ है तो अच्छी रिलीज मिलेगी मूवी को। तो आप अपने नज़दीकी थिएटर्स में जाकर जरूर देखें, मैं भी देखूंगा, हम सब जाएंगे देखने के लिए। कॉमेडी से भरपूर मूवी है तो ऑब्वियसली बात है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की मूवी है, सेकंड गेम के बाद एक मूवी लेकर आए हैं वो वेब सीरीज के बाद, तो जरूर देखने जाएंगे। एक सीरियस रोल के बाद हमें एक कॉमेडी रोल में देखने को मिलेंगे तो ऑब्वियसली बात है। हमें बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें, कमेंट के बिना हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपको कैसा लगा ये ट्रेलर। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।